हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय नेम इज़ रिश योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एंड आई होप यू ऑल आर सो यू नो दैट फेज वन ऑफ योर नवार्ड एग्जामिनेशन इज ओवर एंड हियर यू आर फॉर फेज टू प्रिपरेशन राइट सो एक वीडियो मैंने अपलोड करवाई थी राइट एंड आई होप दैट आपने वो वीडियो देखी होगी इन दैट पर्टिकुलर वीडियो आई डिस्कस्ड दैट वट आर द पॉइंट्स

ये आपका एक ऑनलाइन पूरा का पूरा जैसा कि आपको एक्चुअल एग्जाम में मिलेगा इट विल गिव यू सिमिलर और आई कैन से एग्जैक्ट एनवायरमेंट ओके सो यू कैन गो फॉर द सेम इट विल डेफिनेटली हेल्प यूर लॉट बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि आप घर पे या फिर विदाउट पर्टिकुलर सोर्सेज के बिना आप इस चीज की प्रैक्टिस नहीं कर सकते बिकॉज इट्स ऑनलाइन टेस्ट an online test right So you need to take some kind of help which will help you in your examination and here comes the epipedia okay So with this information let us start our today's session okay it is very very important so you can think about it So what is reading comprehension I hope that you all are aware of it and uh, I hope that you must prepare for the same as well till the time okay. हम काफी चीजों में काफी एग्जाम्स में आपने आई होप आपने भी काफी एग्जामिनेशन दिए होंगे काफी एग्जाम्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ठीक है आई पी या फिर एनी काइंड ऑफ एग्जाम्स जिसमें कि रीडिंग कॉम्पिटेशन आपको आता है ओके अब मोस्टली होता क्या है जो रीडिंग कॉम्पिटेशन आपको आता है नबार्ड की ही बात करूं तो ये एक सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है आपके एग्जाम का ठीक है ओके ये आपका सबसे ज्यादा यू कैन से स्कोरिंग पार्ट है बट उसी के साथ साथ एक बात और भी आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी जस्ट अ मोमेंट ठीक है ये काफी ज्यादा स्कोरिंग है बट द थिंग इज की जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है एट द सेम टाइम इट इज टाइम टेकिंग ओके इट इज टाइम टेकिंग सो अब तक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इफ यू डिस्क्रिप्टिव तो आपने मोस्टली क्या होगा क्या होगा कि को रीड करा ऑप्शन से एक सही आंसर को मार्क करा एंड दैट्स इट बट यहां पे कहानी थोड़ी सी अलग है आपको आंसर्स को लिखना है ठीक है यू हैव टू राइट योर आंसर्स ठीक है यू हैव टू राइट योर आंसर उसमें और वो भी किसके थ्रू कीबोर्ड के थ्रू अब होगा क्या इसमें देर विल बी सम एक्सपीरेंट्स जिनकी हु आर गुड इन टाइपिंग देन दे विल हैव दैट एज ओवर दी अदर कैंडिडेट्स की वो फटाफट फड़ से अपना रीड करके इफ यू हैव इफ यू आर हैविंग गुड स्पीड गुड टाइपिंग स्पीड आई कैन से राइट तो उसकी जो आपको एक एडवांटेज मिलेगी दैट विल बी वेरी वेरी सिग्निफिकेंट राइट तो एक तो अपनी टाइपिंग स्पीड पे काम करिए अब जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है इजी होता है बट यहाँ पे आपको टाइम का दिमाग में ध्यान रखना होता है ठीक है यू हैव टू कीप इन माइंड दैट देयर देयर आर आर और इज ओनली लिमिटेड टाइम ठीक है मिनट्स कि आपको लिखना होगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एस राइटिंग प्रेस राइटिंग राइट और वो भी किसके थ्रू सबसे इंपॉर्टेंट कीबोर्ड के थ्रू तो वहां पे थोड़ा सा गेम चेंजर बन जाता है ये चीज राइट अब इसको क्या चीजें हैं ड्यूरिंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो कि आपको दिमाग में रखनी है और उन चीजों को दिमाग में रखकर ही आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करना है फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप कॉम्प्रीहेंशन को रीड करोगे ठीक है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्ट डूइंग रिवर्स रीडिंग अब ये रिवर्स रीडिंग क्या होती है रिवर्स रीडिंग में आपको कॉम्प्रिहेंशन को पहले ना पढ़ के फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी क्वेश्चंस अराउंड फाइव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ठीक है तो फाइव क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे आपको फटाफट -फड़ से फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन को फटाफट -फड़ से रीड करना है इसको बोलते हैं स्किमिंग ठीक है यू हैव टू डू स्किमिंग मतलब आपको फटाफट -फड़ से उनको रीड करके वट यू हैव टू डू आपको की वर्ड्स को नोट डाउन करना है आप की वर्ड्स तो, को लिख तो सकते नहीं तो वट यू कैन डू देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है आप चाहे उसको साइड में लिख के रख लो वट एवर की टाइप करके रख लो में उसको मिटा देना मतलब जो भी रहेगा जैसा भी ठीक है तो वट यू हैव टू डू की आप फटाफट -फर्ट इन क्वेश्चन के की को नोट करिए या तो अपने दिमाग में या फिर जैसे भी आपको सही लगता है ओके okay? वर्ड्स को नोट करके होगा क्या जब आप कॉम्प्रिहेंशन को रीड करने जाओगे तो आपको पता होगा कि वट यू हैव टू फाइंड अदरवाइज क्या होगा इफ यू आर जस्ट रीडिंग दी दम्प्रिहेंशन विदाउट रीडिंग दी क्वेश्चंस एक्चुअली तो वट विल दैट पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन वेरी वेरी केयरफुली क्योंकि आपको नहीं पता कि वट यू हैव टू लुक फोर यू ड एनी है you will read each and every line very very carefully and it will take your time it will take much time as compared to agar aap is method se chaloge if you read the questions firstly theek hai firstly if you read the questions and if you note down the और if you memorize the keywords कि हाँ first question में ये keyword था second में ये keyword था तो आप जब comprehension को read करोगे तो आपका main focus किसपे रहेगा उन keywords पे आप उन keywords को ढूंढोगे फटाफट -फड़ से रीडिंग करते करते ठीक है एंड नेक्स्ट पॉइंट आपने ये करा रिवर्स रीडिंग करी आपने क्वेश्चंस को पहले पढ़ा देन आप कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ने आए ठीक है आपने कीवर्ड्स को ऑलरेडी नोट कर लिया क्वेश्चंस के नाउ रीड दिहेंशन विदाउट एनी डिसरप्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है जो आपका होगा इसको विदाउट एनी डिसरप्शन यू हैव टू रीड इट होल kind of will इन सिंगल स्ट्रेच विदाउट एनी काइंड हो सकता है उस क्वेश्चन के लिए कुछ भी पर्टिकुलर हो काफी इंपोर्टेंट हो या फिर अगर आप मिस नहीं करोगे तो हो सकता है आपको क्वेश्चन का आंसर लिखते टाइम फिर से उसको रीड करना पड़े कॉम्प्रिहेंशन को तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए जब आपने कीवर्ड्स को नोट no डाउन करा

फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन का का सेकंड या जो भी कीवर्ड था वो मुझे यहां पे मिला था ठीक है मेन ले लीजिए आप क्योंकि आपको के थ्रू ही मेन चल जाएगा जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर कॉम्प्रीहशन है ये किसके बारे में होने वाला है ठीक है लास्ट में मैंने कॉम्प्रीहेंशन भी रखा है आपके लिए ठीक है आई विल हेल्प यू कि आपको कैसे उसको अप्रोच करना है ठीक है आर जो कि आपको पहले मैं बताना चाहता हूं सो तो दैट आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करके ही प्रैक्टिस करें राइट right? ओके okay? तो जब आपने कीवर्ड्स को मैच कर लिया उसके बाद आप क्या करोगे जब क्वेश्चन लिखोगे उनका आंसर एक तो, जब के आंसर लिखोगे तो कुछ चीजें फिर आपको उस टाइम पे दिमाग में रखनी है ये तो वो चीजें हैं जब आप कॉम्प्रशन को रीड करोगे किस तरीके से दिस इज द वे दैट यू नीड टू अप्रोच वाइल्ड रीडिंग और वाइल्ड

Sometimes they used to write pressy writing instead in the, at the place of comprehension and they used to write the answers of comprehension at the place of pressy writing. So don't make such silly mistakes. You are going to appear in grade A examination and you are not supposed to make such kind of mistakes. it will leave a very very bad impression on the particular examiner. स्टार्ट प्रैक्टिस इन सज अवे की आप हमेशा मान लो फर्स्ट जो भी जिस भी नंबरिंग में आपको वहां पे क्वेश्चन अवेलेबल है ट्राई टू फॉलो दैट नंबरिंग अगर आपको ए बी या फिर सी है ना ऐसे है इफ यू आर मैं वन टू थ्री राइट तो इस तरीके से आपको नंबरिंग को मैंशन करना है वहां पे आप अगर ए है तो ए मेंशन करके उसका आंसर लिखिए नीचे बी मैं करके उसका आंसर लिखिए सी टी जो भी जैसे भी रहेगा ठीक है यू हैव टू डू दिस ठीक है ये आपकी एक डिसिप्लिन को शो करता है आपकी आ, आ, थोड़ी जो एक टाइडिनेस होती है ना एक नीट एंड क्लीन अप्रोच उसको रिप्रेजेंट करता है ये चीज है ना आपके आ, जो चीजों को कैसे आप वहां पर डिस्क्राइब करते हो कितनी एलिगेंसी के साथ में आप चीजों को रिप्रेजेंट करते हो इट शोज दैट ओके आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट सेकेंड थिंग

जब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में मान लो की मिल गए आपको लगा कि हाँ दिस इज द आंसर आपको उसको एज इट इज नहीं उठा के लिख देना है ऐसा नहीं करना है कि वहां पे जो भी एज इट इज यू कैन यूज जो डेटा रहेगा उसको यू कैन यूज एज इट इज ओके व्हाट यू कैन डू जो डेटा रहेगा ना जो डेटा डेटा एंड फिगर्स जो होंगी उसको आप एज इट इज यूज कर सकते हो ठीक है बट जो भी चीजें इसके अलावा रहेंगी ठीक है उसको आप एज इट इज यूज नहीं करोगे आपको अपने लैंग्वेज में ही उस आंसर को लिखना है कीपिंग द क्रक्स इन योर माइंड जो भी उस आंसर का क्रक्स होगा ऐसा ना हो कि पूछा कुछ गया हो एंड यू आर जस्ट फ्रेमिंग योर ऑन वर्ड्स यहाँ कुछ भी लिख दिया That particular, जो भी आप सेंटें लिखोगे डेटा शुड भी रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन जो भी आप लिखोगे मतलब आपने जब कॉम्प्रशन को पढ़ा आपने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यह बन रहा है इसका थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया कि हाँ इसके बारे में बात कर रहा है आप उसको अपनी लैंग्वेज में फ्रेम करोगे कीपिंग द्रक्स की हाँ जो उसका मेन क्रक्स है that shouldn't be changed. वो change नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट अगर आपका क्रक्स चेंज हो गया इट मीन्स जो आपके मार्क्स जो तो आपको मिलने थे वो आपको नहीं मिलेंगे ओके थर्ड थिंग्वेज ऑफ अंसर्स शुड बी क्रिस्ट ऐसा ना हो कि आप मतलब काफी ज्यादा लेंदी आंसर नहीं होना चाहिए एक लिमिटेड आंसर होना चाहिए बड़ा छोटा भी ना हो काफी ज्यादा लंबा भी ना हो

स्पेलिंग मिस्टेक्स भी ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा कम से कम स्पेलिंग मिस्टेक्स करें ओके okay? क्योंकि एग्जामिनर जो है वो पकड़ लेगा कि आपकी वो स्पेलिंग मिस्टेक है या टाइपिंग एरर है ना तो दोनों में फर्क है इफ यू आर मेकिंग सच सिली मिस्टेक्स ठीक है इट लीव अ बैड इंप्रेशन ऑन दैट एग्जामिनर तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया पंक्चुएशन मिस्टेक्स और टाइपिंग मिस्टेक्स को जितना हो सके आपको कम करना है ठीक है और इसका एक ही तरीका है टाइम मैनेजमेंट यू हैव टू मैनेज योर टाइम ठीक है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्ट्रेंथ किसी की अगर टाइपिंग है तो वो पढ़ने में ज्यादा टाइम ले सकता है ठीक है लेट अस डिस्कस दिस थिंग्स ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ठीक है देखो यू शुड नो ट इज योर स्ट्रेंथ राइट यू शुड नो वट इज योर स्ट्रेंथ ओके इससे क्या होगा लेटर सपोज कि किसी की स्ट्रेंथ है टाइपिंग टाइपिंग स्पीड किसी की मान लो काफी अच्छी है हो सकता है ठीक है किसी की मान लो रीडिंग रीडिंग की स्पीड काफी अच्छी है रीडिंग और आई कैन से अंडरस्टैंडिंग है ना क्योंकि रीडिंग के साथ साथ यू शुड अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर कॉम्प्रीशन ठीक है यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू राइट योर थॉट्स और एक्सप्रेशन वेरी क्लियरली ओके कीप दिस थिंग्स इन माइंड तो जब देखो जिसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी यू कैन टेक थोड़ा सा टाइम आप ज्यादा ले सकते हो किसके लिए रीडिंग के टाइम पर ओके okay? तो आपको वो चीज वहां पे वो कॉम्पनसेट हो जाएगा अगर आपकी रीडिंग स्पीड और अंडरस्टैंडिंग की स्पीड अच्छी है ठीक है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग की स्पीड आपकी अच्छी है तो आप टाइपिंग को थोड़ा सा अगर आपकी स्लो है दैट विल बी कॉम्पनसेटेड ओके तो एटलीस्ट आपको किसी ना किसी स्ट्रेंथ पर काम करना पड़ेगा यू कांट जस्ट गो कि आपकी टाइपिंग स्पीड भी कम है क्या होगा? Easy तो होता है इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग क्यों देर विलेश उन पांच क्वेश्चन को समझ के उस हिसाब से आपको पैराग्राफ को पढ़ना है उसको रीड करके आपको उन पांच क्वेश्चन के आंसर को एक्सट्रैक्ट करना है अपनी लैंग्वेज में आपको फ्रेम करना है तो इट विल बी टाइम टेकिंग ओके फिर आपको देन टाइप करना है सबसे बड़ी बात आपको आंसर्स को टाइप करके लिखना है ऐसा नहीं है कि आप एक साइड से सोच रहे हो एंड दूसरी साइड से आप अपने हाथ से लिख रहे हो यू हैव टू टाइप योर आंसर सो दैट इज वाई इट विल बी टाइम टेकिंग और अगर यहाँ पे टाइम ज्यादा जाएगा कॉम्प्रीहशन में वो आपको अफेक्ट करेगा आपके ऐसे राइटिंग पे ठीक है उस पर कम टाइम होगा अच्छा उससे होगा क्या फिर अगर आपकी स्पीड भी कम है या जो भी है समहाओ आपने ज़्यादा टाइम दे दिया रीडिंग कॉम्प्रीशन पर तो इससे होगा क्या प्रेशर बिल्ड होगा हो सकता है आप ज़्यादा सिली मिस्टेक्स करो ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गया पंक्चुएशन मिस्टेक्स हो गया टाइपिंग मिस्टेक्स इट इज इट इज़ वेरी नॉर्मल दैट यू कैन मेक सच मिस्टेक्स दैट यू आर नॉट सपोज टू मेक अदरवाइज ओके तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही टाइम को मैनेज करके चलना है कि हाँ आई कैन गिव आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बिकॉज आई कंट जिससे कि हाँ आप अपने इसको बीस मिनट दो ठीक है जिसकी जो भी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपको यू हैव टू प्लान हाँ मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी है सो आई कैन गिव अराउंड मिनट्स फॉर तो आपको विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम आपको कंप्लीट करना है थर्टी मिनट्स ठीक है तो जो भी अकॉर्डिंगली होगा यू कैन मैनेज अकॉर्डिंगली कि हाँ कि मैं इसको थर्टी मिनट्स दे सकता हूँ एस राइटिंग को मैं अराउंड फोर्टी मिनट्स दे सकता हूँ प्रेस राइटिंग को 20, जो भी ठीक है इट्स इट्लीटली अप टू यू ट हाउ यू मैनेज योर टाइम हर इंसान की अलग अलग स्ट्रेंथ होगी किसी की टाइपिंग किसी की रीडिंग किसी की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सकती है रीडिंग के अलावा कि हो सकता है कि एक टाइम एक बार में रीड करके उसको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड होता हो ठीक है इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन ओके आई होप ये जो पॉइंट्स मैंने जितने भी आपको बताए ये आपको समझ आए होंगे जब ये एक बार समराइज करता हूँ इसको मैं टू तो बी शोर Uh, जब आप कॉम्प्रिहेंशन को अप्रोच करोगे वर्ट शुड बी अ फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड दैट इज रिवर्स रीडिंग ऑलवेज रीड क्वेश्चन फर्स्ट ठीक है Questions को पढ़ो फटाफट फड़ से पांचों के पांचों क्वेश्चन पांचो को, पांचो को आपको आराम से पढ़ना नहीं है यू जस्ट नीड टू डू स्कीमिंग फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ो उसका की वर्ड होता है एक बीच में वट इज वट ये वो आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना ठीक है आपको की वर्ड देखना है

पर्टिकुलर की वर्ड कहां पर हैं उसी के आसपास आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा थर्ड थिंग जो आपको आंसर लिखना है दैट यू नीड टू राइट दैट आंसर इन योर ओन लैंग्वेज कीप द पॉइंट इन योर माइंड दैट यू नीड टू यूज दैट क्रक्स जो उस क्वेश्चन का क्रक्स आपको मिला था कॉम्प्रिहेंशन में आपको वो यूज करके यू नीड टू फ्रेम योर आंसर इन योर ओन वर्ड्स यू कैन यूज द गिवन डेटा और फिगर्स एज इट इज अदरवाइज बाकी सब कुछ आपको अपनी लैंग्वेज में फ्रेम करना है आंसर शुड बी क्रिस्प एंड क्लियर ऐसा नहीं कि कहानी बना रहे हो लिख रहे होगी ये वो ऐसा वैसा लंबा करके है ना इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू आंसर शुड बी क्रिस्प एंड क्लियर ज्यादा छोटा नहीं ज़्यादा लंबा नहीं ये तो आपको हो गया कॉम्पिनेशन के बिल्कुल जो आपको चीज़ें दिमाग में रखनी है और ये वाला पॉइंट जो लिखने वाला है वो तो चलो आप इसमें भी एड कर सकते थे है ना फिर जब लिखते टाइम क्या करोगे आप सबसे पहले जो सिली मिस्टेक्स बच्चे करते हैं अवॉइड मिस्टेक्स स्पेलिंग मिस्टेक्स और टाइपिंग मिस्टेक्स और ये कब होंगी इफ यू हैव इनफ टाइम और वो कब होगा इफ यू आर मैनेजिंग प्रॉपरली फोकस ऑन योर येंथ जो भी आपकी स्ट्रेंथ है आदर दैट इज टाइपिंग दैट इज रीडिंग दैट इज अंडरस्टैंडिंग ठीक है उस हिसाब से अप्रोच करिए फिर जब लिखते हो आप कीप पॉइंट इन माइंड कि जो आपने थे उन को, आपको नोट no डाउन कर लेना पीछे से आप आंसर को लिखना स्टार्ट करो ओके okay? फिर जब भी, भी आप आंसर लिखोगे आंसर का क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करेंगे आप वहां पर ठीक है ऐसा नहीं कि आप रेंडमली आपने क्या करा आपने पांच क्वेश्चन को लिख दिया सीधा

डोंट गो फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्ड्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेंटेंसिस राइट इन अल्ड ईजी लैंग्वेज दे आर नॉट जजिंग यू ऑन देश ऑफ कि आप कितनी अच्छी कितने डिफिकल्ट कितने uh, अच्छे या भारी भरकम वोकैबलरी के वर्ड यूज करते हो दे आर देर टू चेक कि आप चीजों को कैसे एक्सप्रेस करते हो ठीक है और कैसे अपने जो आपके थॉट्स है उस चीज को देखना चाहता है कि आप अपने थॉट्स को कैसे एक्सप्रेस करते हो हाउ यू यू रिप्रेजेंट व्हाट आर थिंकिंग ओके तो ये सब तो हमारा हो गया रीडिंग यू विल सी द चेंज ओके अब ये आपके लिए होमवर्क है ठीक है ये आपके लिए होमवर्क है इसमें मैं आपको आइडिया दूंगा कि आप इसको कैसे अप्रोच कर सकते हो ठीक है, बट आपको क्या करना है इसको रीड करके ठीक है ये मैंने आपके लिए ठीक है पैराग्राफ दिया है तीन क्वेश्चन हैं इस पैराग्राफ के ओके okay. तीन क्वेश्चन हैं, आपको इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर फ्रेम करके कमेंट बॉक्स में इनको लिख के मुझे देना है ठीक है आई विल रीड ऑल दो भी बच्चे आंसर करेंगे ठीक है

एक अच्छा खासा कीवर्ड मिल गया इज़ फाइव आइज कुछ फाइव आइज के बारे में बात कर रहा है ठीक है नाउ लेटेस्ट कम टू कॉम्प्रिहेंशन नाउ रीड इट वेरी वेरी केयरफुली एक अच्छे सिंगल स्ट्रेच में फटाफट फड़ से आपको रीड करना है ओके okay? एक बार मैं आपके साथ में रीड करूंगा ऑल द इंडिया एंड कैनेडा आर हेडेड फॉर एन इवन फ्रोस्टियर सीजन इन टाइज आफ्टर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स

ओके okay. क्या था यहाँ पे अब तो ये आपको समझा रहा हूं बट आपको एक ही चलना है ठीक है ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, रुका हूं इसलिए थिंग इन माइंड कि हाँ दिस इज द की वर्ड ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन एलिगेशन दैट इंडिया अ रोल इन दिलिंग ऑफ कैनेडियन नेशनल एंड खालिस्तान खालिस्तानी एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज Matters were thought to have cooled down. It had even been hoped that quiet diplomacy was at work to repair ties. However, Canada continues to hold without proffering any further proof that India must cooperate in its investigation against unnamed Indian officials. While India is standing by diplomats from security agencies, the Modi government suspended visas for all Canadians and uh, standing by standing uh, by uh, measures it has taken in reprisal last month after the tit for tat expulsion of that of their respective diplomats from security agencies the modi government suspended visas for all canadians and demanded the downsizing of canadian diplomatic strength okay this week india issued an ultimatum

एलिगेशन uh, in की बात आई फर्स्ट क्वेश्चन का ठीक है एज अ रिजल्ट कैनेडा फॉरन मिनिस्ट्री की बात, third, uh, बात, बात, बात आगे कुछ बीच में फोर्टमेट ऑफ दियर फैमिली इंडियानेशनल लो इनक्लूडिंग द

melany joly in the us on the silence of the इसके बारे में बात कर रहा है ये 5i थर्ड क्वेश्चन का मिल गया मुझे ठीक है allies to canada's claim that they had also shot up ठीक है इसका मतलब इससे पीछे ही कहीं हमारा कॉज ऑफ टेंशन था कॉज ऑफ टेंशन क्या हो सकता है ये ये देखो यहाँ पे हमने एक हरदीप सिंह निज्जर की बात करी यहाँ पे ठीक है कहीं पे अनमेंड

इंडिया से निकाल दिया राइट right? सो so, इसी से दीज वर दॉज ऑफ टेंशन ठीक है यहाँ पे डिप्लोमेट्स की बात करें ना कि पहले 62 टू डिप्लोमेट्स थे अराउंड ठीक है कहीं पे फ्रॉम 62 टू 21, ठीक है तो so, आप स्कीमिंग और एक फास्ट रीडिंग के साथ साथ जो की को आप दिमाग में रख के चल रहे हो फटाफट फड़ से नोट डाउन करके फिर उसके अराउंड आप अच्छे से पढ़ोगे जैसे कि आपको यहाँ पे एलिगेशन मिला ठीक है

की क्या-क्या थे? Then you have to summarize in your own words कि ठीक है यहीं से वो आपकी वो वो लिखने की जो एक uh, capability है बिल्ड होगी आपको अपने थॉट्स को कैसे एक्सप्रेस करना है यू विल बी एबल टू लर्न दैट एंड प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेल इन दिस पर्टिकुलर जो भी बीट्सिंग से राइटिंग और प्रेस राइटिंग ठीक है तब में वो चीज आपको हेल्प करेगी ओके okay? तो so, ये है आपके तीन क्वेश्चन करना है लिखना है आंसर्स को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा टाइपिंग की आपकी स्पीड हो जाएगी अगर यूट्यूब ऑनलाइन देख रहे हो गूगल पे लैपटॉप पे तो लैपटॉप पे जैसे वट एव यू फील गुड ठीक है सो दिस इज फॉर ऑल दिस इज ऑल फॉर टूडे सेशन एंड आई होप